हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आपण मानको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज कैप्सूल सीरीज को आज कैप्सूल सीरीज रे आमे सांथल रिवेलियन विषय रे डिस्कशन करिबा खूब कम समय भितर। एक्चुअली जो सांथल रिवेलियन केबे हितला 10 जून 1855 रो 10 नवंबर 1855 पर्यंत चली थिला। ठीक, ये जो सांथल रिवेलियन माने बैकग्राउंड आप जानत। एक्चुअली सांथल रिवेलियन बेंगल रो जो ट्राइबल लोक मैंने, खाली बेंगल नो, बेंगल सहित झारखंड भी अच्छी, माने आजिका डेट रे जदि बेंगल देखा जाए बा ये सब सांथल रिवेलियन को जगह होता आपणकर बेंगल आप जानते बांकुड़ा गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी एबि अच्छी बांकुड़ा बीरभूम ए एरिया वेस्ट बेंगल रा बेंगल रे जगह आउ किछि झारखंड बॉर्डर क्लियरली विजिबल यस झारखंड बॉर्डर रे 1855 मसीह रे सांथल रिवेलियन हेतला। सांथल माने रिवेलियन करथिले। ये रिवेलियन हबार कारण कौन? वेरी सिंपल, जे कौन से रिवेलियन होउची भारतवर्ष रे ब्रिटिश टाइम रे तार दुईटा कारण थाए मैक्सिमम जगह अपन देखिबे। गोटे टैक्स माने हाई टैक्स एवं चाष बा जा कोंती आपण माने कल्टिवेशन चाष को माने ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुविधा सुजोग न देवारु बा टैक्स हाई करिवारु एटा गोटे मुख्य कारण। टैक्स आउ एग्रीकल्चर ए रिलेटेड सब विद्रोह होता है। सब विद्रोह रे टारगेट थाए लक्ष्य थाए जे ब्रिटिश मानको इंडिया रु माने इंग्रज मानको विताड़ित करिवा पई प्रत्येक रिवेलियन आपण जे कोनसी रिवेलियन विषय डिस्कशन करु तेणु सांथल माने चेष्टा कले जे ए प्रकार माने जो कार्य करुछंती ईस्ट इंडिया कंपनी एटा ठीक नुह। जमींदारी माने बा जमींदार सिस्टम जो थिला जो प्रकार अन्याय अत्याचार करुछंती टैक्स हाई करुछंती से ठीक नुह। तांको विरुद्ध रे इंग्रज मानक हटेया पई एवं जमींदारी सिस्टम विरुद्ध रे लड़िबा पई ये सांथल रिवेलियन हेतला 1855 मसीह रे। एथिरे चारि जण भाई मु आपण कहया पई चाहूची चारि जण जणक ना होची सिद्धु आ गोटे हूँ कान्हू सिद्धू कान्हू चांद आ भैरव चारि भाई नाम सिब्लिंग्स नाम मन रखे सिद्धू कान्हू चांद भैरव टे छोटिया लिख दूची भैरव ये चारि भाई फोर सिब्लिंग्स माने यंकर लीडर थिले। सांथल रिवेलियन रो चारि भाई बा चारि जण जे लीडर थिले तांगे ना होचे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। एमाने बेंगल रो बांकुड़ा बीरभूम एवं झारखंड बॉर्डर रे ये रिवेलियन स्टार्ट करथिले। कहा उद्देश्य रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध रे लड़ई करथिले। तार कारण होचे हाई टैक्स स्ट्रक्चर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एग्रीकल्चरल एक्सप्लोटेशन एवं ता सहित विभिन्न प्रकार जो मनी लेंडर्स जे थिले सेमाने मध्ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करछन। तो सेमानको विताड़ित करिवा पई सेमानको विताड़ित करिवा पई 1855 मसिया जून मास 10 तारिख रे ये प्रकार पदक्षेप ये चारि भाई नेले बुझियो। एक्चुअली यार आउ टिके बैकग्राउंड होची 1832 मसिया रे या टिके पछकु जीवा या पूर्वक मध्य जीवा किंतु 1832 आगे बुझंतु 1832 मसीह रे इन 1832 ब्रिटिश डिमार्केटेड सर्टन एरिया एंड फोर्स्ड सांथल्स टू स्टे देयर माने भारतवर्ष रे जो सांथल एरिया ये जो एरिया रहउथले वेस्ट बंगाल एवं झारखंड बॉर्डर रे ब्रिटिश गोटे माने नियम पास कले एक्ट पास कले ईस्ट इंडिया कंपनी पास कला जे सांथल ए एरिया रे रहिबे आ जाई परिबे अलग जाऊ जाए परिवे। तो चिंता करूँ आदिवासी मैंने सांथल्स मैंने ट्राइबल्स मैंने से मैंने केमी
चलिबे डेली लाइवलीहुड निज जीवन केमिति निर्वाह करिबे तणु या एटा होचे एक्चुअल बैकग्राउंड ता बाद इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन अछि ता सहित जमींदारी एक्सप्लोइटेशन अछि विभिन्न प्रकार घटना अछि नो डाउट किंतु 1832 रे टिके अधिका चाप प्रयोग करा गला संथाल मानक ऊपर जेतेबेले से कहिले गोटे ल पास करके जे तमे एतिक एरिया भितर रहिबो जोटा कि सांथाल मान को भारी जोर बाधिला से कहले आमर ही फरेस्ट आमर जंगल आमर सबकि आम चलने असुविधा हम तुम बाहर बस केमती कर सबू कथा असह्य हबार 1855 मसीहा जून मस 10 तारीख रे ये प्रकार एक्चुअली जून 30 रे स्टार्ट होता जून 30 रे ये विद्रोहटा स्टार्ट होता 10 नवेम्बर 1855 पर्यटन चलता चारि भाई कथा मन रखे सिद्धू कान्हू तापर चांद भैरव एम से लीडर थे मोटामोटी भाव में आपको कहना चाहिए सांथल रिवेलियन मेन पर्पज था इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन जमीदारी सिस्टम बा ब्रिटिश मानक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत हटेबा ठीक एति बुझीगला या पूर्व कथा मत आगे जानतु एक्चुअली 1757 केमी शुरुआत है 1757 मानते आप जानते पलासी युद्ध होता पलासी युद्ध होता पलासी युद्ध जो होता ना से इंग्रेज मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी मानने बेंगल को कैप्चर कर बुझिप कारण 1757 जो पलासी युद्ध हेबा फल इंग्रेज मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गोटे कब्जा को नहीं पार ठीक अच्छे एवं आ गोटे 1764 रे बक्सार युद्ध होता ये जो बक्सार युद्ध होता जहाँ आउरी माने अधिक रु अधिक इंग्रेज मैंने भारत वर्ष रे कौन कर राज करिया पाई शक्तिशाली हो उठिले एवं ता परवर्त अवस्था 1832 रे कौन कले इंग्रेज मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे रूल पास कले सांथाल तमें सांथाल ट्राइबल लोक यही एरिया भितर रहिबो केते पाला या भितर पुणी परमानेंट सेटलमेंट हो जाइए जमीदारी सिस्टम चली तेणु ये सब कथा असह्य होकर 30 जून मन रखे जो 10 जून कहीदी 30 जून एक्चुअली 30 जून 1855 ये प्रकार पदक्षेप चारि भाई सिब्लिंग्स माने सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू चांद मुर्मू भैरव मुर्मू मुर्मू टाइटल तो ये चारि भाई बा फोर सिब्लिंग्स स्टार्टेड सांथल रिवेलियन एति कथा मन रखे बेस किसी ना अच्छा क्वेश्चन कौन आसपे क्वेश्चन आसपे सांथल रिवेलियन केबे हेतला मन रखिए 1855 ईयरटा एटलिस्ट मन रखिए एवं सांथल रिवेलियन लीडर्स किए थे चारि भाई फोर सिब्लिंग्स सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू चांद मुर्मू एवं भैरव मुर्मू एवं ये कथा भी आसीपे जे केबे सांथल मान को गोटे डिमार्केट करके ईस्ट इंडिया कंपनी कहला तुम एति एरिया भर रही 1832 एति मन रखु बेसिक दरकार नहीं थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस।